जय माता दी। आप सभी को आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये अब आज जो है ना लास्ट वीडियो है। क्लिप्स मेरे पास बहुत थी पर जैसे मैं शूट कर रही थी ना वैसे ही वो कहीं गायब हो रही थी क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज जो है ना वो भर चुकी है, यानी कि फ़ोन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो माफ़ कीजिएगा आगे का मैं नहीं शेयर कर पाई, पर ये लास्ट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा वीडियो पर और माँ के चरणों में आप सभी लोग भी अपनी हाजिरी लगाइए। ये जो यहाँ पर बैठे हैं ना ये हमारे गांव के लोग और इनमें मेरी कज़न सिस्टर, मेरी जेठानी जी और भतीजी आगे चेतन और उसके पापा वंशु सो गया था। मैं कुछ अंदर तैयारी कर रही थी सुबह की क्योंकि सुबह ना 4 बजे जो है वो कंजक पूजन होना था तो उसके लिए कढ़ाई वगैरह बनाते हैं जो हलवा, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। अभी मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आगे महामाई का जो पूजन किया है उसने मुझे बुलाया गया था तो मैं आई थी और महामाई का पूजन किया। आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं ये जो वीडियो है ना मेरी ये एक याद रह जाएगी कल के लिए, है ना। कल हम रहें ना रहें पर ये जो वीडियो है ना ये यहाँ पर रह जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये माता जी के साथ में भोले बाबा के जो चेले है ना वो मस्त है और मुझे हंसी आ रही थी सच में, पता ही नहीं लगा जागरण का। मैं क्लिप देख रही थी ना वीडियो तो हंसी भी आ रही थी मुझे क्योंकि पहले तो हम इतने ध्यान मगन थे कि अपना जो भी हमारा जागरण हुआ ना मुझे उसका कोई भी ध्यान नहीं रहा। तो ये लास्ट वीडियो है और माता रानी का पूजन है, आप जरूर देखिएगा। फिर शेर होके होके सवार सुखी से बोली पता नहीं तेरे बात के लिए।
Oh,